हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीएलसी के बारे में। तो देखिए, एक हमारे पास में पीएलसी का पैनल आया हुआ है रिपेयरिंग के लिए। तो दोस्तों, इस पैनल में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये पैनल ऑन नहीं हो पा रहा है। तो मैंने सोचा कि चलिए आपके लिए एक वीडियो बनाया जाए। और मैं दोस्तों आज की वीडियो में खाली इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये पैनल में क्या क्या इक्विपमेंट लगे हुए हैं और ये किस प्रकार से काम करते हैं। तो देखिए आप, ये हमारे पास में पीएलसी पैनल है, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, आज ये जो पीएलसी पैनल है ये इसमें क्या क्या लगा होता है और ये किस प्रकार से वर्क करता है, आज हम यही जानेंगे आज के वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, ये दिख रहा है, ये इसका पीएलसी है, पीएलसी कार्ड है, देखिए। और इसमें आप देख सकते हैं, ये इसका है इन है और ये इसका आउट है, ठीक है। मतलब जितने दोस्तों ये ऊपर में केबल्स लगे हुए हैं, ये इसके इनपुट है, और जो नीचे में जितने लगे हुए हैं ये इसके आउटपुट है। और नीचे में जो आपको कार्ड दिख रहा है दोस्तों, ये रिले कार्ड है 24 वोल्ट के, ठीक है। ये 24 वोल्ट के रिले लगे हुए इसमें, और ये कंट्रोल MCB है। इसको जैसे हम ऑन करेंगे तो ये पैनल ऑन हो जाएगा। और देखिए, इसमें एक SMPS लगी है 220 वोल्ट AC इनपुट, और इसका आउटपुट देखिए 24 वोल्ट DC। तो दोस्तों, यही 24 वोल्ट जो हमारा फ़ैन है इसको चलाने के लिए यूज किया है। देखिए, 24 वोल्ट के फ़ैन है। और जो ये रिले दिख रहा है दोस्तों आपको, ये जो रिले कार्ड है इसमें, तो ये भी रिले 24 वोल्ट के हैं। अब ये रिले को ऑपरेट करने के लिए, ये देखिए, ये SMPS आप देख सकते हैं, ये SMPS है। और दोस्तों, जो ये SMPS है, ये SMPS के केबल हमारे ये PLC में आए हुए हैं, ठीक है। इसमें 24 वोल्ट आए हुए हैं, और यही से दोस्तों इसके केबल्स हमारे जो रिले कार्ड है, रिले कार्ड में गए हुए हैं। और ये पैनल देख सकते हैं आप सामने में, इसको भी लॉक करके रखा हुआ है। और दोस्तों, ये है हमारा HMI पैनल, देखिए दोस्तों, यही से आप इस PLC में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। फ़िलहाल ये दोस्तों, ये पैनल अभी बंद है, खाली मैं आपको इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो दोस्तों, क्या है, जो ये जो हमारे रिले कार्ड है, ये इसका इनपुट है। इसमें देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव आया हुआ है। और जो नीचे दोस्तों, ये इसके आउटपुट केबल है, देखिए। और दोस्तों, जो इसके आउटपुट केबल है, ये आके हमारे इस TV में कनेक्ट हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें TV लगी है 1, 2, 3, 4, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए, ये TV में इस रिले कार्ड के पूरे केबल यहाँ पे आए हुए हैं, और यहाँ से आप इसका आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए, एक कार्ड और लगा हुआ है, ये भी 24 वोल्ट का कार्ड है दोस्तों। और इसमें जो रिले है, ये भी 24 वोल्ट के है। तो दोस्तों, जो ये हमारा PLC है, इसके जो आउटपुट केबल है वो हमारे रिले पे आए हुए हैं। तो दोस्तों, ये जो रिले 24 वोल्ट का है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पर जो रिले पे इस पर कमांड आएगी, जैसे एक नंबर पे आई तो एक नंबर का है ये इंडिकेशन ऑन हो जाएगा। देखिए, इसमें LED लगी हुई है। और दोस्तों, ये जो रिले, ये है 8 चैनल का, मतलब 8-8 चैनल के इसमें रिले लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये 8 चैनल का कार्ड है। तो जैसे इसमें एक नंबर पे कमांड आई, 24 वोल्ट आई, तो जो ये इसका एक नंबर का रिले पिकअप होगा, और यहाँ से इसका दोस्तों फीडबैक लिया हुआ है, जो इसका फीडबैक का केबल हमारे इस TV में गया हुआ है, ठीक है। ये इसके फीडबैक के केबल है नीचे वाले, और ये इसके इनपुट है ऊपर के। जिस पे भी कमांड आएंगी वो रिले पिकअप हो जाएगा, उसका फीडबैक हमारे इस TV पर आ जाएगा, और यहाँ से इसका आउटपुट निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, इसमें 5 कार्ड लगे 24 वोल्ट के, और एक नीचे लगा हुआ है, ये देखिए दोस्तों। इस
पीएलसी कार्ड किस प्रकार से काम करता है इसमें ऑलरेडी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा पीएलसी पैनल, और मैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको बताऊँगा कि इस पैनल को हम ऑन करके आपको टेस्टिंग करके दिखाऊँगा कि ये पैनल किस प्रकार से वर्क करता है। फ़िलहाल आज मैं आपको इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो दोस्तों फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।